बोल रहे हैं। आपका नाम? नाम मंजूरा है मेरा, गांव दलापड़ा। क्या मामला है ये? ये मामला ये है, स्कूल वहाँ बनवाना चाहते पर प्रधान अपनी जगह में, ये बरातघर अपने ग्राम अपने की जगह बनवाना चाहे, हम बनवा नहीं देते वहाँ। कितने मेंबर हो आप? मेंबर हैं हम 12 वाल फिलहाल जो खिलाफ हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं वहाँ न बने। ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव आया इसको? प्रस्ताव तो कोई शायद ना आया हो, मेरे हिसाब से दबंग आदमी है वो, और जो मर्जी हो कर ले, बोले बोले कर ले, जो भी कर ले, किसी को बताता ही नहीं। आशी अजी कर रहे हैं, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम कहीं और बनवाना चाह रहे हैं। कहाँ बनवाना चाह रहे हैं? हम रो मैन रोड पर बनवाना चाह रहे हैं। बाहर मैन रोड पर? बाहर मैन रोड पर, वो अपने घर बनाने चाह रहे हैं। वहाँ जगह है? वहाँ जगह है। यहाँ नाम? मेरा नाम मरगूब अहमद है जी। गांव दलापड़ा, कस्बा गंगो। क्या मामला है ये? मामला हमारे गांव में प्रधान जो है दबंग है, वो बारात घर को ग्राम पंचायत को अपने अंडर में बनवाना चाहता है, और जबकि उसके बाद उसके अलावा दलापड़े के गांव में अंदर घुसते ही रोड पर जगह पड़ी, और उस जगह हम पटवारी के पास गए, पटवारी साहब ने बताया अब गांव में कोई जगह नहीं है, और वो जगह 300 वो उसका तीन खसरा नंबर 324 नंबर है उसका, हमने निकलवाया, उसकी नकल निकलवाई, और उसके बाद हमने फ़ोन करा पटवारी साहब को, उन्होंने कहा अब गांव में कोई जगह नहीं है, और सेक्रेटरी के पास भी गए, सेक्रेटरी साहब ने कहा अब प्रधान जी ने ज़मीन दान कर दी, ज़मीन दान करके वो अपने घर में थोड़े बनाना चाहेगा, और वो तो उसके खेत में है, बिल्कुल वो तो खेत में, गांव के बाहर है, गांव के बिल्कुल जंगल में है जी वो तो। खालिद हसन है जी। खालिद हसन जी, आप जी। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं जी जहाँ सारे गांव की राय है वहीं से बढ़ना चाहिए, बरातघर वहीं बढ़ना चाहिए जी। गलत कर रहे प्रधान जी जी। प्रधान जी का नाम क्या है? दिलसाद। दिलसाद जी। दिलसाद अपनी प्रधान जी मनमानी करते हैं, गाँव वालों की नहीं सुन रहे? मनमानी जी, मनमानी जी, प्रतिनिधि है जी, सात प्रतिनिधि है। इरफान है। इरफान, गांव दलापड़ा। क्या मामला है ये जी? मामला ये है कि मेरे यहाँ एक बारात घर आया, जो सभी गांव में शायद आया हुआ है, और प्रधान जो है इसने अपने खेत में जो आबादी से बाहर है उसका खेत है और घर भी वहीं है, जहाँ वहाँ ले जा रहा उसने, और लोगों की सभी की राय है कि जो सार्वजनिक जगह है यहाँ उसी में बारात घर बन जाए, और गाँव के बीच में ही है। गाँव के बीच में जी, नहीं वो तो खाली पड़ी है, ऐसी बात नहीं है, वो तो प्रधान की मिली भगत है जी, प्रधान की उसकी। आप भी देख लो उस जगह को जी, आप कह रहे कि वहाँ से झगड़ा होने की संभावना, उस पर मकान बने हुए हैं? नहीं मकान तो कोई नहीं बना, कोई मकान नहीं है, तो पूरा गांव चाह रहा है कि वहाँ जी घर ना बने। सेमुन है जी, दलापड़ा। अच्छा, इस सड़क की आपने शिकायत करी प्रधान को? प्रधान तो पूरी सड़क की इसकी शिकायत करी, जब उससे कहा वो साफ करना हो, उससे भी कहा ना, उन्होंने कहा कि उस गली में चला ना जाइए, उस गली में चला ना जाइए। हाँ, भेदभाव करते हैं। हाँ। अच्छा, नाम क्या है प्रधान जी का? दिलसाद। दिलसाद। गुलिस्ता। गुलिस्ता। नाम क्या है प्रधान जी आपका? मोहम्मद दिलसाद। मोहम्मद दिलसाद। गांव? दोलापड़ा। प्रधान जी, जैसा बारात घर के मंजूर हुआ है आपके गांव में, आप गांव के बाहर जो आपने ये जमीन दी है कितनी दी है? यू 240 वर्ग मीटर है। अच्छा, मतलब 720 से करीबन बैठे है। अच्छा, जो बराबर वाला मकान है ये किसका है? यू भाई का है, छोटा भाई है। छोटे भाई का है। हाँ। अच्छा, आपने गाँव के बाहर किस उद्देश्य से बनवाना चाह रहे के गाँव की भलाई के लिए? क्या भाई गाँव के भलाई हो, जिसमें कोई जगह गाँव में थी नहीं, ग्राम समाज की भी ऐसी। अच्छा, तो इसलिए हमने सोच तो अपनी अपनी खुद जमीन दी। अच्छा, कुछ आदमियों ने प्रधान जी के ससुर रहमो से, तो हमने अपने नाम से जमीन दी खुद। कुछ आदमियों ने आप पे आरोप लगाया कि आप अपने घर पे निजी बनवाना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या कहोगे? नहीं, घर पे तो निजी नहीं हुआ, जब वो हमने कोई चीज़ बेनावा कर दिया, सरकार के खत्ते में दान कर दी, तो हमारे लिए कहाँ खुद में हो गया है भाई, मतलब उसमें दान करने पर घर तो नहीं बचा, ना हमारे नाम रही हुआ, तो एक दान होगी, ना कोई पैसा लिया गया उसका। जैसा गांव में और भी जगह है वो भी देखी आपने? वो तो पटवारी ने देखी भाई, मेरा तो काम नहीं, मैंने तो देखा शहर ना कहीं जगह थी नहीं,
पटवारी तो पूछा, उसने कह दिया कोई जगह है नहीं, इसलिए हमने मर प्लेसर आया बी डी ओ का और लोगों का भी अधिकारियों का, भाई कोई जगह का जैसे भी हो उपलब्ध करो, कोई दान दे कोई हो, तो इसलिए हमने खुद अपनी ज़मीन दान कर दी। कुछ पंचायत कुछ आदमी यूँ कह रहे हैं कि हम गांव के बाहर नहीं बनवाना चाहते यार, ये गांव के अंदर ही बनवाना चाहते हैं। नहीं वो आप क्या कहोगे? वो तो गाँव से बाहर तो नहीं है भाई, मकान देखो कॉलोनी है इधर, यहाँ इधर गंवा के देख लो मकान खड़े, इधर गंवा लो। नहीं उनके उनके लिए क्या कहोगे आप? नहीं गांव से अगर मुझे कोई मामला कहीं अगर है लिखड़े जगह पटवारी कोई अधिकारी निकालता है कहीं जगह है तो निकाल दो, वहाँ हो जाएगा भाई। हम उस बात पर सीमित, हम तो कोई झगड़े की वजह के कोई जगह नहीं मिली, कहीं झगड़ा ना हो जाए, अगर होगी बाय दाए तो उस वजह से अपनी खुद ज़मीन दान करी। अच्छा गांव में लगभग कितनी सड़कें बना चुके हैं, बनवा चुके हैं आप? सड़कें तो कम से कम 40 करीब बन गई भाई, CC भी है, गुड़ुंची भी है, अब इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है भी, एक दो दिन में इंटरलॉक आप लगातार करवा रहे हैं? जी जी ठीक है जी।